नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पर है। दोपहर 12:15 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यहां से वो गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन के बाद लाइट एंड साउंड शो भी राष्ट्रपति देखेंगे। आपको बताते चले कि 7:00 बजे गोरखनाथ मंदिर से सर्किट हाउस राष्ट्रपति जाएंगे और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, जिनके दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने अभी कुछ ही दिन पहले गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी स्थलों का निरीक्षण भी किया था, जहां जहां राष्ट्रपति रुकेंगे, जहां जहां राष्ट्रपति शिरकत करेंगे, उन सभी जगहों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पहुंचकर वहां का जायजा लिया था, वहां की तैयारियों का जायजा लिया था और सुरक्षा के भी इंतजामों को जांचा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज से 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच रहे हैं, तो उनका आगमन तकरीबन कितने बजे तक होगा? उसका हम बता दें कि 20 घंटे के का कार्यक्रम है, राष्ट्रपति को 20 घंटा रहना है और आज उनका आगमन 12:30 बजे के आसपास गोरखपुर में हो जाएगा और इसके साथ ही वो सर्किट हाउस जाएंगे, वहां पर विश्राम करेंगे, उसके बाद से गीता प्रेस जाएंगे। हालांकि प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारियां कर चुका है, कल प्री ट्रायल भी कर लिया गया है पुलिस के जरिए और देर शाम 6:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए थे गोरखपुर और तारामंडल, जहां उनको म्यूजिकल फाउंटेन का प्रोग्राम देखना है, वहां भी पहुंच करके उन्होंने उसका जायजा लिया, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए जो है जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रामनाथ कोविंद की बात करते हैं, राष्ट्रपति महामहिम जो है सीधे गीता प्रेस जाएंगे, गीता प्रेस में जो है शताब्दी वर्ष समारोह का जो है में शामिल होंगे, वहां पे 20 मिनट के आसपास का भाषण है, उनको संबोधन करना है सबको, उसके बाद वहां से निकल करके गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और मंदिर में 6:30 बजे के आसपास जो है 6 से 7 के बीच का जो है समय रखा गया है पूजा कार्यक्रम का है, उसके बाद वहां से सर्किट हाउस आएंगे और वहां पे म्यूजिकल प्रोग्राम देखेंगे और फिर सीधे सर्किट हाउस जाके आराम करेंगे और ठीक दूसरे दिन 5 अप्रैल पांच जून को कल मगहर जाएंगे और मगहर में जो है दर्शन का कार्यक्रम है उसके निकल जाएंगे। और ऐसे में बताते 3,000 से ज्यादा फोर्स को लगाया गया है, लाइव लगाया गया है, नो फ्लाइंग जोन पूरी तरह से गोरखपुर को कर दिया गया है। हिमांशु, इस दौरान राष्ट्रपति के साथ और कौन कौन से नेता मौजूद रह सकते हैं? बिल्कुल, राष्ट्रपति के आगमन पर योगी आदित्यनाथ खुद वहां पे रहेंगे, उनका जो है स्वागत करेंगे, उनके साथ ही आनंदीबाई पटेल राज्यपाल भी वहां मौजूद रहेंगी उनके स्वागत में और उसके साथ कई पदाधिकारी हैं, सांसद रवि किशन वगैरह भी इत्यादि रहेंगे वहां पे मौजूद रहेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल जो अभी राज्यसभा सांसद हुए हैं वो भी मौजूद रहेंगे मौके पर। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए तो आज राष्ट्रपति गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास और नया देखने को मिल सकता है? बता दें मुस्कान की शताब्दी वर्ष गांठ मनाने जा रहा है, 100 वर्ष पूरा हो चुका है गीता प्रेस का। इसका जो है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो है नींव रखे थे और पहली भगवत गीता 1 रुपए की जो है इसने सेल की थी, गीता प्रेस के माध्यम से दी गई थी और इसके साथ ही वहां पे इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों जो है रामायण का विमोचन होना है, नए एक रामायण जो है निकल रही है उसका विमोचन होना है, इसमें चित्र के साथ जो है रामायण दिखाई जाएगी इस तरीके से, ताकि लोगों को पता चल सके कि सचित्र कि किस तरीके से रामायण लिखी गई है। हिमांशु, आज राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल मुस्कान, बता दें कि पूरी तरह से इसके लिए तैयारी कर ली गई है, उसको सजा दिया गया है, हालांकि जनपद के जहां से राष्ट्रपति को जाना है एयरपोर्ट से लेकर के गीता प्रेस और गोरखनाथ मंदिर तक के सारे चौराहों को हर जगह को साफ सफाई कर दी गई है और लाइटिंग के जरिए हर जगह को सजा दिया गया है, शाम का दृश्य एकदम खुशनुमा हो जाएगा। और साथ में बता दें कि लाइट एंड शो का प्रोग्राम है, इसमें 100 बच्चे जो है राष्ट्रपति के साथ प्रोग्राम को देखेंगे और राष्ट्रपति की पत्नी भी वहां पे मौजूद रहेगी। हिमांशु, आज राष्ट्रपति समेत तमाम कई दिग्गज आज गोरखपुर के दौरे पर आ रहे हैं, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, उन्होंने सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं?
मुस्कान बता दें कि राष्ट्रपति की सुरक्षा से पहले 3000 जवान इसमें तैनात रहेंगे, इसके साथ ही एडीजी जोन अखिल कुमार भी इसमें मौजूद रहेंगे, पूरी तरह से नजर बनाए रखेंगे। एसपी गोरखपुर के साथ ही कई जिले के कप्तानों को लगा दिया गया है, सीओ लगे हुए हैं। 3000 के आसपास की फोर्स है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स है, पीएससी है, एलआईयू की टीम है और जनपद पुलिस के जवान भी लगे होंगे। आसपास के जनपद के भी पुलिस और थानेदारों का जो है थानाध्यक्षों का ड्यूटी इस पे लगाया गया है। और साथ ही बता दें कि योगी आदित्यनाथ कल 6 बजे के आसपास जब गोरखपुर पहुंचे हैं तो कानपुर में, चूंकि कल कानपुर में उनका राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का मौजूदगी थी और उस कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प हुई है, तो गोरखनाथ पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है समीक्षा बैठक की है और निःशक्त निर्देश दिया, जिसमें दुर्गा प्रसाद सचिव और डीजीपी भी मौजूद थे और उन्होंने साफ कहा है कि पत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंटेलिजेंस रिपोर्ट को काफी मजबूत किया जाए। यानी हिमांशु ये कहा जाए कि जो बीते दिनों कानपुर में हिंसा हुई थी उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है गोरखपुर में भी। जी बिल्कुल, गोरखपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, इंटेलिजेंस को लगा दिया गया है, लोकल आईएलआई के अलावा जो है जो विजिलेंस टीम आती है उसको भी पूरी तरह से लगा दिया गया है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। नो फ्लाइंग जोन जो था राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल के आसपास था, लेकिन उसको हर जगह लगा दिया गया है कि नो फ्लाइंग जोन रहेगा। करीब 1 किलोमीटर का दायरा जो है जहां भी राष्ट्रपति रहेंगे उसको नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं, इस दौरान पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, सुरक्षा के भी पूरे चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रपति के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों गोरखपुर में पहुंचकर उनकी आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का खुद जायजा लिया था। आपको बताते चले कि आज कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सांसद रवि किशन समेत कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका जमावड़ा आज गोरखपुर में लगेगा। कानपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि राज्य में कायम अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करते हुए सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में शहर में जुम्मे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने के प्रयास के दौरान 2 समुदाय को लोगों में हिंसक झड़प देखने को मिली थी। इस दौरान एक दूसरे पर दोनों ही समुदाय के लोग पथराव भी करते हुए नजर आ रहे थे, जबकि बम फेंके जाने के बाद वहां से कुछ इलाकों में हिंसा भी हुई थी। तो आपको बताते चले कि बीते दिनों कानपुर में हिंसा देखने को मिली थी, वही इस हिंसा को लेकर अब सीएम योगी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। बात करी जाए अगर सीएम योगी के निर्देश की, तो उन्होंने बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां का माहौल जानने की कोशिश की थी, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहाँ की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच के जो जिस संख्या में पुलिस बल वहाँ मौजूद था स्थिति को नियंत्रण करने की का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहाँ पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच कर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहाँ के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था। पूरी जनता ने कानपुर से हुए विरोध की तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से वहां पर पथराव हुए थे, सीसीटीवी कैमरास को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, इसकी तस्वीरें ये गवाह है वो तस्वीरें जो कानपुर में हिंसा हुई थी, जहां पर भयंकर
रूप देखने को मिला था, किस तरह से लोगों पर पथराव किया गया था, पुलिस पर पथराव किया गया था। वही अगर बात करी जाए कानपुर की, तो इस वक्त पूरा कानपुर छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बीते दिनों जो हिंसा कानपुर में हुई थी, क्या कुछ था ये पूरा मामला जिस वजह से हिंसा ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया? बाजार बंदी को लेकर दो गोटों को लेकर के ये विवाद चालू हुआ है। इस विवाद पर जो है एक चंद्रशेखर हाथा पड़ता है, वहाँ के हाथे के पास के जो लोग हैं वो लोग जो हैं उसको जो है पेट्रोल बम बना करके उसके बाद जो पथराव किया है और उसके बाद कई राउंड फायर किया है इस पर। तो इस वक्त मौके की स्थिति क्या बताई जा रही है उपेंद्र, जहाँ पे घटना हुई थी इस वक्त वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है? जी आपको पता चले, अपना कैमरा पर्सन कहेंगे सागर से कि पूरा दिखाया आपको कि इस टाइम जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पे, और पूरा क्षेत्र जो है आसपास का इलाका जो है वो पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और जो यातायात है पूरा सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। अब किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है वो अतहत होने नहीं है, पर लगातार पुलिस की दबिश जो है वो लगातार जारी है। उसके बाद आपको बताते चले कि जो क्षेत्र जहाँ खड़े हैं हम लोग हैं, ये चौकी जो बनी हुई है, इस चौकी के पास से मामला था। इसका जस्ट 200 मीटर पे जो है ये हंगामा विवाद हुआ था, और इस विवाद को देखते हुए जो है कानपुर के जो आला अधिकारी हैं वो सक्रिय हैं, और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो काफी नाराज समझ में आ रहे हैं। उनका ट्वीट के माध्यम से देखा जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो वो काफी नाराज हैं। उपेंद्र, अगर बात करी जाए तो लगातार इस मामले को लेकर अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है अपराधियों के खिलाफ? जी राजेंद्र, आपको जो अपराधियों की बात, दंगाइयों की बात रही, तो उसमें जो है वीडियो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से जो है वो 25 लोगों में जो है वो 18 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और लोगों की लगातार दबिश जारी है। और उसके बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री है उन्होंने डायल 112 के SP अजय पाल शर्मा जी को यहाँ कानपुर भेजा मॉनिटरिंग करने के लिए, और जो ये वो SP जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे पूरा, और दबिश लगातार जारी है। और जो है डायल 112 की जो फ्लीट है वो लगातार क्षेत्र में जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। उपेंद्र, अगर बात करी जाए तो दंगाइयों की धर पकड़ के लिए पुलिस का क्या कुछ एक्शन प्लान है, पुलिस ने क्या कुछ प्लान बनाया हुआ है दंगाइयों को पकड़ने के लिए? जी आपको बता चले, जो पुलिस के जो है वो सटीक मुखबर जो है उनके मुखबर के माध्यम से जो है लगातार दबिश जारी है, और जो लोग घायल थे उसमें जो घायल थे उन्होंने मुकदमा लिखा हुआ है, और जो हत्या का प्रयास और बलवा संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा हुआ है। और साफ सूबे के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि अगर दंगाई जो अपना अभी एक ओपन चैलेंज किया उन्होंने 5 तारीख को एक सोशल मीडिया पे, टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक पोस्टर वायरल हुआ है 5 जून का, उन्होंने जो है दंगाइयों ने वो मैसेज दिया है लोगों के लिए। अब देखना कानपुर पुलिस के लिए बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि अब वो उस चीज को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। उपेंद्र, अगर बात करी जाए तो इस हिंसा को लेकर जफर का नाम सामने आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो CAA और NRC के भी मुद्दों से जुड़े हुए थे, तो उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने क्या कुछ अभी तक प्लान तैयार किया है और क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर? जी जब बात रही जफर की, जफर अब एक ओपन चैलेंज सोशल मीडिया पे किया है, उसके बाद जो है जो अभी पुलिस की गिरफ्त जो है वो अभी बाहर है, और पुलिस की जो दबिश है वो लगातार जारी है। उपेंद्र, हम आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि आप एक बार फिर से जनता को मौके की तस्वीर दिखाएं जहां पर आप मौजूद है, जहां पर कल हिंसा हुई थी। बस आपको एक चीज और बता चले मुस्कान जी, जो कानपुर में है यहीं से अभी लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर पर जो है महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम आयोजित होना है, गौरवशाली कार्यक्रम है, उस पर भी पुलिस जो है वो लगातार सक्रिय है। और एक बड़ा सवाल है कि अगर दो VIP मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और डिप्टी CM और राष्ट्रपति कानपुर में होने के बाद बड़ी चूक एक सवाल निशान लगता है, या ये दंगाई कोई मैसेज देना चाहते हैं? उपेंद्र, अगर बात करी जाए तो पुलिस द्वारा प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदर्शनकारियों को नहीं दी गई थी, और बाहर जुम्मे की नमाज के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात था, तो आखिर क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है जो दंगाइयों ने इस हद तक उपद्रव कानपुर के अंदर मचाया? जी आप चलो, जो है इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि जो मस्जिद है, मंदिर है, उसके जो लाउड स्पीकर है वो उतारे जाएंगे, पर यहाँ के जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि जब जुमे की नमाज से पहले जो है यहाँ का जो साउंड का लेवल था उस साउंड लेवल को इतना हाई रखा गया था कि आसपास के जो लोग हैं वो इस मामले को सुन रहे थे, पूरा मैसेज है, ये पूरा सुनियोजित प्लान करके कराया गया था। कहाँ से वो एक सवाल अगर पूछा जाए कानपुर पुलिस से, तो फिर अगर ये पानी की जो पेट्रोल की बोतलें हैं वो इतनी मात्रा में कैसे आ गई?
एक प्लान था, यह पहले से प्लान इसलिए किया गया था। जफर जिसकी आप बात कर रहे हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको बताता है, ये चौकी बनी हुई है, इसी चौकी पे जफर जो आए थे यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए, तहरीर देने आए थे जी। तहरीर देने यहाँ आए थे जो है वो नसीम अख्तर जी हैं, उनको जो तहरीर दिया, वो ज्ञापन दिया कि मार्केट खोलने, मार्केट बंदी को लेकर के, पर नहीं माने ये लोग। उसके बाद जो है इनसे बढ़ने लगी, अगर चाहते जो चौकी इंचार्ज यहाँ पे थे, मामला आला अधिकारी उठ जाके कंट्रोल कर सकते, पर जो ये ऐसा है ये चूक है, कहीं ना कहीं देखा है तो पुलिस की बड़ी चूक है, या उनके जो तंत्र सुरक्षा तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। उपेंद्र, अगर ये कहा जाए कि इस दंगे को भड़काने को लेकर पूरी प्री प्लान्ड प्लानिंग की गई थी, तो आखिर क्या वजह रही जो पुलिस इस दंगे को लेकर पहले से कुछ भी भाप नहीं पाई, या पुलिस को कैसे नहीं पता लगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है? जी आपको पता चले जो है पुलिस के जो मुखबिर हैं, उनके जो सुरक्षा तंत्र, जो अपने सूत्र हैं पुलिस के, वो सारे सूत्र जो है बिल्कुल नाकारा समझ होते। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो है मौके पे जो है, देखिए आपको दिखाते हैं आला अधिकारी की, अपना कैमरा पर्सन कहते हैं आला अधिकारियों की बिल्कुल फ्लिट जो है बराबर, ये फ्लिट ये पूरी चलती चली आ रही है। और देखिए पूरा जो यहाँ पे पूरे क्षेत्र में जो है वो फ्लिट की पूरी तैयारी करके क्षेत्र को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी जो गाड़ियां हैं DCP SP और उसके बाद SP आउटर, SP साउथ, और उसके बाद देखिए आप पूरा कैमरा पर्सन कहेंगे पूरा को दिखाया जाए कि जो पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन में दर्शकों को बताया जाते हैं, देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया। अब सवाल ये है कि जो 25 में से 18 पकड़ गए, बाकी दंगइयों को पुलिस कितनी देर पकड़ती है? पर इस क्षेत्र को देखा जाए तो ये पूरी तरीके से जो है बिल्कुल छावनी में बना दिया गया है, और जो जफर है जफर के लिए बिल्कुल लगातार दबिश जारी है, पुलिस पूरी तरीके से दबिश जारी कर रखी है। और एक देखा जाए वो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो SP को भेजा है, वो अजय पाल शर्मा जी को, वो 112 के SP हैं, उनको जो भेजा गया कानपुर में, वो पूरा मोर्चा जो है अपना डे प्लान और मतलब कैसे क्या करना है पूरा जो तैयार है वो 112 की टीम पूरा कर रही है। यानी कि उपेंद्र ये कहा जाए कि इस वक्त स्थिति जो है वो पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, आप बता चले जो स्थिति है वो कल रात से लेकर जब दबिश के बाद जो 18 से 19 लोग गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद जो आपको बता चले तो दबिश गिरफ्तार होने के बाद जो है माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है। पर अभी जो सोशल मीडिया पोस्टर वायरल हो रहा है, जो वीडियो जफर का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में ओपन चैलेंज दे रहा है पुलिस को और सरकार को भी। उपेंद्र, इस वक्त जो जफर का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो कितना पुराना बताया जा रहा है? जी बताते चले कि वो अभी किसी तरीके से जफर के माध्यम से कोई सूचना नहीं भी नहीं आई कि पुराना वीडियो है, पर हाँ अभी इस घटना के बाद इस वीडियो का वायरल होना मतलब ये भी एक प्लान के तहत शामिल था। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता की, जहां वो खुद घटनास्थल पर मौजूद थे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेते हुए इस वक्त बताया कि घटनास्थल की मौजूदा स्थिति इस वक्त पुलिस के कंट्रोल में है और लगातार पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ को लेकर दबिश दी जा रही है। साथ ही जो पुलिस के मुखबिर भी है वो लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को सूचना दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपराधियों की इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हो सके। वही इस मामले को कर सीएम योगी भी लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।